नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी इन दिनों क्या कर रही है, क्या हाल है जेएसएससी का, इस पर जानकारी दे देते हैं आपको और पंचायत सचिव को लेकर। जेएसएससी के पास अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। यही कारण है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्टूडेंट्स को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो आंदोलन करे या नहीं करे, करें तो उसका परिणाम क्या होगा और नहीं करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। जेएसएससी इन दिनों खुद ऐसी उधेड़ बुन में है। अब देखिए, जेएसएससी में रेडियो ऑपरेटर के कई पद थे जिसमें से 46 पद खाली था। उम्मीद की जा रही थी कि इसकी बहाली इस महीने हो जाएगी, लेकिन जेएसएससी ने यह कहते हुए इस परीक्षा की प्रक्रिया को बंद कर दिया कि उन्हें किसी प्रकार की आगे दिशा निर्देश ही नहीं मिल रही। गजब हाल है जेएसएससी का, इसे दिशा निर्देश नहीं मिलता है। सरकार के पास ऐसे अधिकारी नहीं है जो जेएसएससी को ये बता पाए कि जेएसएससी जिस एग्जाम की रिजल्ट को लेना चाहती है उसे अविलंब तैयार करके निकाल दे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ये परीक्षा 2017 का है, इसको बंद कर दिया गया। 46 जो परीक्षा के लिए गृह, कारा और आपदा प्रबंधन में पद खाली था, इस पर मार्गदर्शन ही उसे नहीं मिला। परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आवश्यक सूचना के अनुसार विभाग ने 692 पुरुष व महिला पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी थी। इसके बाद 10 जुलाई 2018 को 646 अभ्यर्थी की अनुशंसा विभाग ने भेजा था। रिक्त रह गए 46 पदों के लिए विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतियोगिता को बंद कर दिया गया। इसके आलोक में कोटिबार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक व परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का प्राप्तांक आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 21 मार्च तक की समय दी गई है कि इसके बदले में आपको क्या क्या जानकारी और इकट्ठा करना है आप ले लीजिए, अन्यथा 21 मार्च के बाद आयोग जिम्मेवार नहीं होगी। अब देखिए, पंचायत सचिव के रिजल्ट को लेकर हजारों की संख्या में स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाता है तो सीजीएल वाले की रास्ता भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल क्यू में खड़ी है। आखिर झारखंड में ही ऐसा क्यों होता है? सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो इस समय युवा झारखंड राज्य में परेशान है। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य में स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन झारखंड से अच्छी स्थिति है। वहां पर कम से कम रिजल्ट समय से आ जाता है, परीक्षा भी टाइम से हो जाती है। झारखंड में पिछले एक साल के दौरान देखेंगे कई बार पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया है रांची में। इसके बाद उन्हें एक आश्वासन मिलता रहा, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिला। पिछली बार जब जेएसएससी कार्यालय में बच्चे मिलने गए और उन्हें कहा कि वो लिख करके दे सिर्फ इतना कि उनका रिजल्ट क्यों रुका हुआ है, ऐसे में कुछ भी चीज लिख करके देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। जेएसएससी ने साफ साफ कहा कि वो लिख कर नहीं दे सकते, लेकिन स्टे है ये वो जानते हैं, इसलिए वो आगे इस पर बातचीत भी नहीं करेंगे। बच्चों की अब दिक्कत है कि वो गांधीवादी तरीके से कितने दिनों तक आंदोलन करेंगे, तैयारी छोड़ करके आंदोलन करने के लिए कितने लोग आगे आते हैं, क्योंकि हर बार कुछ बच्चे आते हैं, सैकड़ों की संख्या पहुंच तो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को किसी प्रकार से सरकार व्याकुल पलाती है, बातचीत करने का भरोसा देती है। स्टूडेंट्स को लगता है कि इस बार शायद उनकी समस्या सुलझ जाएगी, फिर उन्हें पता चलता है कि अब तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे हम वैसे ही खड़े रह गए। तो जरूरत है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स की ओर से आगे बढ़ करके बड़ी संख्या में लोग आए और वो जेएसएससी के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करें, क्योंकि जब जब इस प्रकार के आंदोलन होते हैं तो हमने देखा है कि जेएसएससी रिजल्ट निकाल दिया है। हालांकि टेक्निकल कारणों से रिजल्ट को रोका गया है, जैसा जेएसएससी बार बार बता रही है कि अभी भी जब तक सोनी कुमारी वाले मामले का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, जो भी रिजर्व रखा गया है फैसले को, तब तक वो किसी प्रकार की कोई नया रिजल्ट जारी नहीं करेगी। बीच में चर्चा हो रही थी कि सोनी कुमारी वाले मामले के जगह पर यह भी चीज सामने आ रही थी कि जेएसएससी का अध्यक्ष ही नहीं,
फिर प्रशांत कुमार को आनंद फानन में अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। उम्मीद की गई कि होली के बाद रिजल्ट निकल जाएगी, स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं। और प्रतिदिन स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी में से बहुत एनर्जी लगा दे रहे हैं इसको खोजने में कि रिजल्ट कितने तारीख को आएगी, कब आएगी। सोशल मीडिया में वो हमेशा सर्च करते हैं। ऐसे में हमारा उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आप एक संसाधन है और ये चीज सरकार को भी समझना होगा कि आप संसाधन को नष्ट ना होने दें, आप तैयारी जारी रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है झारखंड में कि अचानक से झारखंड सीजीएल का डेट आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और आप आंदोलन करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि इससे प्रेशर बिल्डअप होता है। लेकिन अभी समझना है कि सरकार ने कई बार हेमंत सोरेन से भी स्टूडेंट्स की मुलाकात हुई, यानी कि उनके संज्ञान में सारा कुछ है। उन्होंने बातचीत का भरोसा दिया और उन्होंने कहा कि वो देखेंगे। तो टेक्निकल कारण को बताया जा रहा है कि जब तक तकनीकी रूप से व्यवस्था सही नहीं होती है तब तक रिजल्ट नहीं निकाली जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक डेट जेएसएससी क्यों नहीं बता देती है। अगर जेएसएससी ये बता दे कि वो अगस्त में निकालेगी रिजल्ट, जून में, अप्रैल में, मई में, मार्च में, तो इससे स्टूडेंट्स कम से कम स्थिर हो जाएंगे। उनको लगेगा कि चलो 2 महीने के लिए हमको इंतजार करना है। ऐसे में हर समय वो संभावना वाली, हमारे जैसे कई यूट्यूब चैनल को वॉच करते हैं जिसमें सिर्फ संभावना बताई जाती है कि अंतिम सप्ताह में निकलेगा या मार्च में, अप्रैल में, जून में, क्योंकि टेक्निकल चीजें जो होती हैं हाईकोर्ट की, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ हाईकोर्ट को ही पता होता है, ना ही वहां काम करने वाले किसी क्लर्क को पता होता है कि किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने डिसीजन क्या लिया है। इसमें सिर्फ तुक्का ही आप लगा सकते हैं कि डिसीजन फेवर में हो सकता है या फिर गैर फेवर में जा सकता है, यानी कि 50-50 होता है। स्टूडेंट को समझना होगा कि जेएसएससी बार बार बोल रही है कि वो इस चीज को देख रही है कि बहुत जल्द ही वो रिजल्ट लाएंगे। तो हमारे साथ आप ऐसे बने रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप को जैसे ही हम तक सूचना आएगी सटीक जेएसएससी से जुड़ी हुई, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर का हमने बताया कि 46 वैकेंसी जो थी उस पर लेना चाहिए था बच्चों को, लेकिन आप समझ लीजिए पद खाली रह गया। जेएसएससी ने कहा कि उनको दिशा निर्देश ही नहीं मिला, तो क्या करेंगे। अब अंदाजा कीजिए कि एक ऐसा राज्य जहां पर लाखों की तादाद में युवा बैठे हुए हैं और पद खाली रह जाता है, उसको लेने वाले लोग नहीं है, आप क्या कहिएगा, आपके हाथ में क्या है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए और कैलेंडर प्रकाशित करके बताना चाहिए कि एक डेट फिक्स है, इतने तारीख को हम रिजल्ट निकाल देंगे, संभवतः पंचायत सचिव के बच्चे निश्चित रूप से मान जाएंगे। और ये सरकार को सोचना जरूरी है। हमारे साथ लेकिन आप जुड़े रहिएगा, ऐसी ही खबरों के अंदर का विश्लेषण, पूरी इनसाइड स्टोरी सिर्फ यहां। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।